जय हिंद, वंदे मातरम, प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेस में। आपको बता दूं कि आज ये कौन से चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। मूल अधिकार, आप जानते हैं कोई भी एग्जाम हो मूल अधिकार से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। इससे संबंधित लगभग 50 प्लस क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं जो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन रिपीटेड हैं, उनको इस वीडियो में शामिल किया जा रहा है। प्यारे साथियों, आप बने रहें, आपको इसका बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप चलते हैं प्यारे साथियों, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि संविधान के भाग जो है किस में उल्लेख है। तो आपको बता दूं, भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर जो है 35 तक में जो है मूल अधिकार का जो है उल्लेख किया गया है। तो चलते हैं आज की इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा है प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, यानी न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। पहला ऑप्शन है मूल अधिकार, नीति निषेध, प्रस्तावना या मूल कर्तव्य। तो मूल अधिकार को न्यायालय द्वारा जो है लागू कराया जा सकता है, जबकि नीति निषेध सकता तो सरकार पर निर्भर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। तो कौन जो है रद्द कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा जो है मूल अधिकार को रद्द किया जा सकता है। आप जानते हैं ईद वगैरह के समय भी जो है मूल अधिकारों के कुछ रद्द कर दिया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन, 16 में, 17 में, कि 14 में, कि 15 में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? इसमें समानता की बात की गई है। चलते हैं विधि के कहते हैं, इसे कहते हैं विधि के समान संरक्षण की, विधि के समान समता तथा विधि के समान संरक्षण की बात इसी अनुच्छेद 14 में ही कहा गया है। और 17 में क्या है? अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। सरकारी नौकरियों में नियोजन की बात 16 में की गई है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद वो अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 14, 15 और 16, एक साथ पढ़ने में ये होता समान कार्य के लिए समान वेतन की बात 14, 15 और 16 में जो है पढ़ने पर एक साथ पढ़ा जाए तो निकलता है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के प्रावधान है? अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान किसमें किया गया है? तो आपको बता दूं, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला है भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता बिल्कुल है, भाषण और व्यक्ति स्वतंत्रता ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, तो इन सबके उल्लेख किया गया है। इसमें आबाधी स्वतंत्रता का, आबाधी तो ही कुछ क्राइटेरिया भी है। अब भाषण और व्यक्ति स्वतंत्रता तब तक है जब तक कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, हाँ, तो आबाधी तो यहाँ हट जाता तो सही था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, संविधान के किस अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है? शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको बता दूँ 23 से 24 में बात किया गया है। 23 में जो है 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण की बात करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 में बच्चों की शोषण की बात की, जबकि 23 में जो है बलात्श्रम, किसी को जबरदस्ती, व्यक्ति को जबरदस्ती कार्य नहीं करा जा सकता है जब तक वो इच्छुक ना हो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, बच्चों के लिए है, जबकि 23 जो है बड़ों के लिए बलात्श्रम की बात किया, जबरदस्ती श्रम नहीं करवाया जा सकता, बेगारी नहीं करवाया जाता। यदि आप करवाएंगे तो उसके तहत कुछ पैसे देने पड़ेंगे आपको, जिसे बेगार पहले बेगारी पे लोग काम करते, बेगारी वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा संकट में सेवा लगाए जाने के निषेध किया गया है? तो 14 वर्ष से कोई कम आयु है तो कहते हैं कि जोखिम भरे वाले फैक्ट्रियों में इनको काम करने से रोका जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हीवियस कार्पस जारी किया गया है? किसमें? अतिरिक्त कर वापसी में, दोषपूर्ण पुलिसनदबंदी, भाषण की स्वतंत्रता में या संपत्ति की हानि में? तो इसका उत्तर दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में जो है कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि कहा जाता है कि उसको कोर्ट में जो है इसको पेश किया जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति
का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश में से कौन सा है? तो पहला है उत्प्रेषण, है उत्प्रेक्षा, है बंदी प्रेषण, है परमादेश। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है कहा जाता है अवैध निरोध के मामले में जो है जारी किया जाने वाला परमादेश है। बंदी को प्रत्यक्ष रूप से पेश किया जाए। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस अतिरिक्त निम्नलिखित में से याचिका उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया था, कौन कौन सा बंदी प्रत्यक्षीकरण तो जारी करता है लेकिन और कौन सा जारी करता है? तो आपको बता दी ये सभी कोर्ट द्वारा ही दिया, जैसे उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये तीनों जो है तीनों का इन सबको लेकर चारों किसके द्वारा जारी किया था? तो आप बताओगे चारों जो है ये उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण या बंदी परीक्षण? तो परमादेश हम आदेश देते हैं, उसका उत्तर हो यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, नियुक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद पर से बचाने के लिए जारी किया जाता है? कोई अवैध रूप से किसी दूसरे पद पर बैठा तो अधिकार परीक्षा, यानी किस अधिकार से दूसरे के पद पर बैठे हो तो इसके लिए अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। आरओ देखो 14 में पूछा गया क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का सक्षम है कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों को आप बता दें, संसद जो है मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, किसी कैदी को न्यायालय के सक्षम समक्ष प्रस्तुत कराने के लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है न्यायालय के समक्ष जो है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी को प्रत्यक्ष कोर्ट के सामने पेश किया जाए, यही जो है कोर्ट में लाने के लिए जारी किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जितने लोग भाई बहन वीडियो देख रहे हैं लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए वो सरकारी तौर पर हकदार भी नहीं है? तो इसका उत्तर आपको बता दूं, अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से आप इस आदेश को जारी कर रहे हैं इसी के तहत जो है उससे पूछा जाता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार आप बात हो चुकी है भाग 3 में, जबकि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में जो है चर्चा की गई है। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी मौलिक अधिकार को? तो इसका उत्तर हो गया अमेरिका में सबसे पहले जो इसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त था यूएसए में, अमेरिका में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अवलोकित किया था? किसको सर्वाधिक अवलोकित किया था? तो आप बताओ भाग 3 को, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सबसे अधिक इस पर ध्यान दिया था। चलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार पहला है 19 से 22, की 1924, की 25 से 30, या 14 से 18? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1922, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है, 14 से 18 में समानता का अधिकार है, देखिए 14 से 18 में समानता, जबकि 25 से 30 में धार्मिक स्वतंत्रता, 23 से 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 1922 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये सभी चीज़ याद करके रखना है प्यारे साथियों। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है 19 से? तो इसका उत्तर केवल नागरिकों को प्राप्त है, जो 19 में वर्णित जो है 6 मौलिक अधिकार हैं वो सब केवल नागरिकों, पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। चलते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है 21? पहला है केवल विधायिका, केवल न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, दोनों, केवल कार्यपालिका के विरुद्ध। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध जो है संरक्षण प्राप्त करता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है? प्रेस की स्वतंत्रता 19 में ही, अनुच्छेद 19 में ही प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। चलते हैं, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित अधिकार कौन सा, स्वतंत्रता संबंधित अधिकार कौन सा है? तो आपको बता दूं, भाषण में विचार के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे? तो अनुच्छेद 32 को
संवैधानिक उपचारों संबंधित अधिकार दिया गया है और इसी को अंबेडकर साहब ने जो है संविधान की आत्मा के से अनुच्छेद 32 को ही अंबेडकर साहब ने संविधान का आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32 को याद करना। और वैसे अंबेडकर साहब के अनुसार पूछा गया, नहीं तो संविधान क्या साहब, आत्मा जो है प्रस्तावना ही बताना आपको। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार में किसे वी आर अम्बेडकर ने हृदय कहा था, हृदय आत्मा कहा था, तो बात कहा गया इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को। ये चीज़ें याद करेंगे, देखिए बात हो किया ही क्या और मिल भी गया आपको। चलते हैं, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, तो उत्तर हो जाएगा 1978 में संविधान के 44वें, कैसे याद करोगे, 4-4-8 लास्ट में 8 दिया गया है, तो ये चीज़ आपको इजली याद कर लेना। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में, कैसे देखो 1976, यहाँ 6 है और 4-2-6, ऐसे इजली याद हो जाएगा, नहीं दोनों बहुत कन्फ्यूजन होता है। 44वां संविधान संशोधन विधेयक मौलिक अधिकार के सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया था, तो उत्तर इसका होता है संपत्ति के अधिकार को जो है वैधानिक अधिकार बना दिया मौलिक अधिकार से, तो इसका उत्तर क्या करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो, संपत्ति के अधिकार को उस समय हटा दिया गया और हटा के क्या बनाया गया, वैधानिक अधिकार बना के किसमें 300 के ए में रखा गया, ये भी चीज़ आपको नोट, आर्टिकल 300 के ए में रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं है, कौन सा अधिकार नहीं है, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा मौलिक अधिकार प्रेजेंट टाइम में नहीं, तो आपको बता दें संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में निलंबित किया जाता है, तो आपातकाल की घोषणा के समय, सेना सदस्यों के संबंध में, जन विधि के संबंध, उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो उपरोक्त सभी में जो है मौलिक अधिकारों को समाप्त, मौलिक उपचारों के अधिकार भी समाप्त किया जा सकता है। आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकार समाप्त होता है, सेना के सदस्यों के संबंध में भी सैनिक विधि लागू हो तब भी जो है मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों बंद प्रत्यक्षीकरण को जारी कर सकते हैं, ये चीज़ याद कर लेना है। कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो इसमें अभी बात हो चुकी, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है, तो देखिए अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी की बात की गई है, छुआछूत कोई नहीं फैलाएगा, ये बात कहा गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है, कौन रिट जारी कर सकता है, तो उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, और उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है, उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत जारी कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति जो है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय कहीं दोनों से भी जो है कराया जा सकता है, कि तो सरकार नहीं लागू करती है। तो भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने का सक्षम कौन है, तो निलंबित करने का सक्षम कौन है, राष्ट्रपति है। मूल अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है यानी कि ड्रॉप कर सकता है कुछ समय के लिए, तो अब बताएंगे राष्ट्रपति। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में है, समानता का अधिकार, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, समानता, देखिए 14 से 18 में, दोनों सम संख्या है, तो समानता का अधिकार जो है 14 से 18 है, और कहीं देखिए सम संख्या कहीं नहीं दिख रही, 14 से 18 में ही आपको सम संख्याएं दिखेंगी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, निम्नलिखित में कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को अधिकारिता में आते हैं, तो आपको बता दें मूल अधिकार प्रवर्तन संबंधी जो है ये दोनों जो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार में आते हैं। प्यारे साथियों बने रहे, वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, आप ये वीडियो क्लिक किए तो पूरा वीडियो जरूर देखा करें। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है, तो मूल अधिकारों का संरक्षक जो आपको बता दें न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का आदेश कौन दे सकता है, निलंबित की कितनी बार क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बताएं कि राष्ट्रपति जो है, थोड़ा सा अंतर कर करके क्वेश्चन पूछा गया है। मूल अधिकारों के आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है, तो इसका आवश्यक प्रतिबंध लगाने के लिए तो आप बताओगे इसमें राष्ट्र संसद के पास है, कुछ चेंजेस करने या प्रतिबंध लगाने का अधिकार, और वैसे निलंबन करने का अधिकार राष्ट्रपति के, दोनों में अंतर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। 25 का संबंध किससे है, तो 25 का संबंध आपको बता दूँ अल्प धर्म की स्वतंत्रता से है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के गरीब बच्चों को पटाखे कारखाने में करने से रोका जाएगा या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, ये किस
किसका अधिकार अधिकार में आया, तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार में आ जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि कह सकते हैं 24 में जो है बच्चों के लिए शोषण से विरुद्ध अधिकार है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं, किसकी स्वतंत्रता नहीं दी गई है, तो इसका उत्तर होगा हड़ताल करने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में बिल्कुल नहीं दी गई है। किस बात के संसद को मौलिक अधिकारों को संशोधन करने का अधिकार है, किसके तहत, तो केशवानंद भारती वाद में जो है कहा गया है संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं, कौन सा मौलिक अधिकार, तो इसका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है विदेशियों को नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है, संपत्ति का अधिकार आप बताओगे विधि का अधिकार या कानूनी अधिकार कह सकते हो। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो उत्तर 300 के ए में या 300 के का जो भी रहेगा उसको आप इजीली लगा सकते हैं। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार किंतु मूल अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है लेकिन मूल अधिकार नहीं है, तो इसका संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन मूल अधिकार नहीं। देखो दोनों में अंतर, संविधान में तो उल्लिखित है लेकिन मूल अधिकार नहीं है, ये चीज़ें याद करके रखना है। मत देने का अधिकार एक क्या है, तो आप बताओगे एक नागरिक अधिकार है, ये चीज़ें कानूनी एक नागरिक अधिकार है। देखो थोड़ा सा अंतर है, आप कानूनी अधिकार लगा क्या थे लेकिन एक प्रकार का एक नागरिक अधिकार है आपको लगाना। अस्पृश्यता का अपराध जो है क्या है, तो आप तो उत्तर हो जाएगा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है इसको वर्णन किया गया था 1955 में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान का मौलिक अधिकार हिस्सा था, ये चीज़ याद करके रखना है। नेक्स्ट है कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार 32 के तहत जो है परिवर्तित किए जाते हैं, उत्तर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। समानता का अधिकार भारतीयों को सुनिश्चित कराता है, तो समानता का अधिकार आपको बता दें धार्मिक आर्थिक तथा सामाजिक तीनों प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिलाता है। प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद जय भारत।